नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर की सीमेंट प्लांट में कौन कौन से रोल होते हैं। तो ये सारी कंपनियाँ हैं, टॉप जो सीमेंट कंपनीज हैं। तो जनरली तो एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर ही मैकेनिकल इंजीनियर को बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा आप डिज़ाइन इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर आप ऑटो कैड जानते हैं या डिज़ाइनिंग जो सॉफ्टवेयर हैं केटिया वो सब आप जानते हैं, तो कंडीशन मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में आपको भेजे जा सकते हैं, जहाँ पर आप वाइब्रेशन की रीडिंग लोगे और उसका एनालिसिस करोगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में आप काम कर सकते हैं। ऑपरेशनल इंजीनियर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सीमेंट प्लांट के अंदर जब आप मेंटेनेंस इंजीनियर के रोल में काम करते हैं तो आपको कौन कौन से सेक्शन दिए जाते हैं। ये तो आपके रोल हो गए। आपको सपोज मेंटेनेंस इंजीनियर बना दिया, लेकिन पूरा का पूरा प्लांट का तो मेंटेनेंस इंजीनियर नहीं बनाया। तो सीमेंट प्लांट में आपके ये सेक्शन होते हैं। सबसे पहले क्रशर सेक्शन। तो क्रशर सेक्शन का आपको मेंटेनेंस करना है, तो आपको या तो क्रशर सेक्शन दिया जा सकता है या आपको पायरो सेक्शन दिया जा सकता है। पायरो सेक्शन में तीन आते हैं, किल्न आती है आपकी, नंबर दो पे आपका कूलर आता है और नंबर तीन पे आपका ब्लेंडिंग साइलो आता है। तो आपको ब्लेंडिंग साइलो के मेंटेनेंस में भेजा जा सकता है। कूलर के मेंटेनेंस करने के लिए आपको इंजीनियर बनाया जा सकता है। पायरो सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट किल्न सेक्शन भी होता है, तो किल्न सेक्शन का भी आपको मेंटेनेंस इंजीनियर का इंचार्ज दिया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें इसमें बैग हाउस, बैग फिल्टर मेंटेनेंस, ये आपके पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आते हैं, क्योंकि बैग हाउस बैग फिल्टर का काम ही यही होता है कि डस्ट को कम करना, डस्ट को सीमेंट जो कंपनी है उसमें डस्ट को उड़ने ना देना। तो इसकी भी मेंटेनेंस आपको इस सेक्शन में भी आपको भेजा जा सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। पाँच पे आता है मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट। तो मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में आपका कन्वेयर बेल्ट हो गया, बकेट एलिवेटर हो गया, एयर स्लाइड हो गया, तो ये सारे के मेंटेनेंस का भी इंचार्ज आपको बनाया जा सकता है। इन सब की मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ सकती है। कोई एक या एक सेक्शन आपको दिया जाएगा। और यूटिलिटी सेक्शन में भी आपको मेंटेनेंस इंजीनियर बनाया जा सकता है, जिसमें आप पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, इन सब की आप मेंटेनेंस इसमें करोगे। ब्लोअर हो गया, फैन हो गया, तो ये सारे यूटिलिटी के अंडर में आ जाते हैं। तो मेनली तो इसमें दोस्तों आपका क्रशर सेक्शन होता है, इसके बाद आपका पायरो सेक्शन होता है जिसमें किल्न आती है, और फिर इसके बाद कूलर सेक्शन होता है, उसके बाद ब्लेंडिंग साइलो होता है, और इसके बाद फिर आपके बैग हाउस बैग फिल्टर, इन सब की मेंटेनेंस, और बकेट एलिवेटर कन्वेयर बेल्ट, ये सब की मेंटेनेंस इंजीनियर बनाया जा सकता है, और या फिर आपको यूटिलिटी सेक्शन का मेंटेनेंस इंजीनियर भी बनाया जा सकता है। तो मैकेनिकल जो इंजीनियर है उसका जो रोल होता है मेनली आपका मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, और मेंटेनेंस इंजीनियर भी अलग अलग सेक्शन, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने आपको सेक्शन बता दिए कौन कौन सेक्शन होते हैं। ऐसे ही मेटल इंडस्ट्री होती है, ऐसे ही आपके जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होती है, उन सब में अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का जो मेन जो आपका जो रोल होता है इन्हीं चारों पांचों में से आपका एक होगा। तो मेंटेनेंस इंजीनियर का तो मैंने आपको सेक्शन वाइज भी बता दिया, डिजाइन इंजीनियर, कंडीशन मॉनिटरिंग, इन सब भी डिपार्टमेंट में भी आपको भेजा जा सकता है। तो नमस्ते, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में कोई भी आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।